जॉयफुल लर्निंग स्तर प्राथमिक माध्यमिक गतिविधि क्रमांक 13 गतिविधि का नाम कहानी बनाना। गतिविधि हेतु तैयारी एवं सामग्री बच्चों के 4-5 समूह बनाना, सफेद कागज की कुछ पट्टियां, अभ्यास पुस्तिका अ आ ई ई वर्ण से बनने वाले शब्दों के शब्द चित्र कार्ड जैसे अनार, आम, इमली, अमरूद आदि, वर्णमाला कार्ड, वर्णमाला चार्ट, बारकड़ी चार्ट। भाषाई खेल प्रक्रिया, स्वस्थ वाक्य, बीमार वाक्य। 8-10 बच्चों को सम्मिलित करते हुए कुछ समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में एक नेता या नायक बनाएं। समूह नायक एक वाक्य सोचेगा और उस वाक्य का केवल एक शब्द कागज की पट्टी पर लिखेगा। समूह का दूसरा बच्चा उस शब्द को लेकर एक वाक्य सोचेगा और उस शब्द के साथ उस सोचे गए वाक्य का केवल एक शब्द लिखेगा। अगला बच्चा उन दोनों शब्दों को लेकर एक वाक्य सोचेगा और उस वाक्य में से सिर्फ एक शब्द उन दोनों शब्दों के साथ लिख देगा। यह प्रक्रिया एक पूरा सार्थक वाक्य बनने तक की जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई वाक्य बनना संभव ना हो तो कोई बच्चा उस वाक्य को बीमार बताकर खत्म कर सकता है। ऐसा होने पर समूह नायक यह प्रक्रिया फिर करवाएगा। शिक्षक कुछ बीमार वाक्यों पर बच्चों से बातचीत करें। सार्थक वाक्य क्या है इस पर चर्चा करें। सार्थक और निरर्थक वाक्य की तुलना करें। चर्चा में वाक्य के पदक्रम, कर्ता, कर्म, क्रिया तथा उनके विस्तार पर चर्चा करें। गतिविधि प्रक्रिया, शिक्षक श्याम पट पर अ आ ई ई वर्णों से बनने वाले कुछ शब्द लिखें या बच्चों से एक एक शब्द पूछकर लिखें, जैसे अजय, आम, इमली, ईख आदि। शिक्षक बच्चों से इन शब्दों को लेकर एक कहानी बनाने को कहें। इनमें से सबसे अच्छी कहानी को श्याम पट पर लिखें। शिक्षक इस कहानी में आए अ आ ई ई वर्ण वाले शब्दों को रेखांकित करें। वर्ण स्तर, शिक्षक अ आ ई ई वर्ण वाले शब्दों का उच्चारण कराएं। बच्चे इन वर्णों को वर्ण कार्डों से अथवा वर्णमाला चार्ट में पहचानें। इन वर्णों से बनने वाला एक शब्द बोलें। इन वर्णों को लिखें अ आ ई ई स्वर वर्णों की मात्राओं की पहचान कराएं। शब्द स्तर, बच्चे अ आ ई ई वर्ण वाले शब्द छांटकर लिखें। इन वर्णों को लेकर एक एक शब्द बनाएं। अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखें, अपनी पसंद के एक फल का नाम लिखें। कहानी में आए आ ई ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ें और लिखें। बच्चों से कहानी में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द छटवाएं। वाक्य स्तर, वाक्य स्तर वाले बच्चे 5 फलों या मिठाइयों के नाम का प्रयोग करते हुए 5-5 वाक्य लिखें। कुछ बात करें, कुछ काम करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? शिक्षक बच्चों से उनकी पसंद की मिठाइयों और फलों के नाम पूछें। मिठाइयों और फलों की सूची बनवाएं। टिप, शिक्षक इसी प्रकार 4 या 5 वर्ण चुनकर उनसे बनने वाले शब्दों से कहानी बनवाएं और उन वर्णों को सिखाएं, जैसे उ ए औ क आदि।